समय लालू प्रसाद यादव को जेल भेज दिया गया। ऐसे में केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं। रघुवंश जी, ये जो फैसला हुआ कोर्ट का, किस रूप में आप देखते हैं? ये फैसला बख्ती तौर पर हम लोग के खिलाफ जा रहा है, बाकी अंतिम फैसला हम लोग के अनुकूल होगा। हम लड़ाई के जारी रखेंगे, कानूनी लड़ाई कोर्ट के अंदर हम लड़ेंगे। संविधान का सवाल है, और कितना कोर्ट के मामला हम लोग लड़ चुके हैं। जी अब अंदर हैं तो ऐसे में अंदर क्या है, तो इसीलिए ना जितने उनके सपोर्टर हैं सब पूछते हैं से, रे भाई बाबू लालू प्रसाद जेल चले गए तो हम सबकी जवाबदेही बनती है, एकजुट रहो और इस चुनौती का मुकाबला करो और देश को बचाओ। आप कैसे आगे विपक्ष की मुहिम आगे ले जाएंगे? यही विपक्ष की मुहिम है, जो महंगाई के सवाल पर, पेट्रोल डीजल के मूल्य के सब मूल्य वृद्धि के खिलाफ, किसानों की आत्महत्याओं के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ सब लोग हम लोग एकजुट होंगे और लड़ाई लड़के दिल्ली से नरेंद्र मोदी को हटाएंगे। ये बड़े आदमी का, वहाँ उद्योगपतियों का काम कर रहे हैं, ये कौन अडानी अंबानी, ये सब के धन में वृद्धि हो रही है और यहाँ किसान कंगाल हो रहे हैं। ये रुपये के मूल्य काफी देश में सबसे नीचे स्तर पर चला गया। डॉलर का मूल्य 70 से ज्यादा हो गया और वो आर्थिक हालत खराब है, यहाँ रुपए का मूल्यन हो गया, तो इसलिए इस सरकार को हटाने से ही देश बचेगा, रुपया ठीक रहेगा। अब बिहार में कैसी रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? बिहार में लड़ाई हम तुरंत जारी करेंगे और इनको हटाने की लड़ाई लड़ेंगे। अब मांग चांग से नहीं होगा, अब हम लोग संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके इनको बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा होगा और उसमें हटाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा और रामविलास पासवान अब आने वाले हैं। एनडीए के डूबती नाव पर कोई नहीं रहेगा, उपेंद्र कुशवाहा भी राह खोज रहे हैं, रामविलास पासवान भी, अपनी मर्यादा उनको घट गई है। इधर गूंजे धरती आसमान रामविलास पासवान थे और उधर कर्मचारी बतौर हैं, अब मौसम विज्ञानी है, डूबती नाव से उछल कर सबसे पहले वह भागेंगे। ये थे रघुवंश प्रसाद सिंह, जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में इनकी लड़ाई केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ और भी तेज होगी। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ अशोक कुमार, APN रांची।